तो भाई ओला का ये ऑर्डर पिकअप हो चुका है। ये मैजिक पिन का ऑर्डर था भाई, ये देखो ऊपर जादुई चिड़िया मैजिक पिन का ऑर्डर था, ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया भाई। 64 रुपये का 1.1 किलोमीटर का पिकअप है। ड्रॉप है इसका लाडू सराय का 3.7। और भाई लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। ये भाई थे जिनको ऑर्डर मिला था और मैं भाई फ्री में आ गया हूँ फोकट में ऐसे स्टार्ट ट्रिप करके, और रीच कर दिया। पर डिलीवर तब लगेगा जब ओटीपी मांग लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता ही है, दिन में भाई साहब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है। बहुत सारे बंदे बोलो भाई कैसे काम करो। भाई मैं तो लगभग 3-4 दिन हो गए दिन में काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो भाई शाम में काम कर रहा हूँ। और मैं वीडियो भी अभी 2 दिन से नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास कैमरा अभी तक आया नहीं है। मंडे में आएगा शायद, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो सोचा क्यों ना मोबाइल से बनाए, क्योंकि हम पहले मोबाइल से ही बना रहे थे, तो भाई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अपग्रेड ही तो दिया कैमरा, भूले थोड़ी ना है व्लॉगिंग करना मोबाइल से। तो भाई अगर कोई मोबाइल से व्लॉगिंग करने की सोच रहा है तो वो भी आज ये वीडियो देख के समझ जाएगा कि किस तरीके से मोबाइल से डिलीवरी की व्लॉगिंग करते हैं। तो फटाफट अपनी आईडी को ऑनलाइन करते हैं, थोड़ी देर घर में वेट करेंगे और फिर निकलेंगे घर से। अगर आईडी राइड नहीं आई तो काम करेंगे ओला उबर रैपिडो तीनों मिक्स करके, क्योंकि हमें कमाई करनी है अभी फिलहाल। अभी हम किसी पे टारगेट पे काम नहीं कर रहे, अभी गर्मी की वजह से बस हमें 500, 600, 700 रुपए तक लेके आने। तो आईडी करते हैं ऑनलाइन। भाई घर बैठने वाली समय सीमा हो गई है पूरी, क्योंकि 6:10 पे आईडी ऑनलाइन करी थी, 15 मिनट मुझे हो गए। भाई अगर राइड घर से बचेगी नहीं तो मैं निकल भी नहीं पाऊंगा, पर मुझे कमाने हैं। तो कल के अपने जो कल हमने काम किया था उसके 25 रुपये माइनस हो गए, कोई बात नहीं, चलो पहले निकल जाते हैं फील्ड में। भाई 42 रुपये की राइड आई है मेरे पास में ओला के अंदर। तो भाई साकेत मेट्रो लेके जाना है, ये देखो 700 मीटर से पिकअप है, टिकट रोड से लेना है और दिखा रहा था 15 या 18 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई उबर को मैंने बंद कर दिया अपना और ओला लेकर चलते हैं फटाफट पिकअप करने हैं। और भाई आधे रास्ते चला और ये राइड कर दी कैंसिल। अबे साले बेवकूफ है क्या ये भाई, बुक ही क्यों कर रहा है जब नहीं जाना साले पागल। हाँ यार, एक तो बिन फालतू में इतनी गर्मी आ गई। आ गई 50 रुपये की राइड आ गई भाई, 5 किलोमीटर। चलो मैंने ले ली, फिलहाल आपके सामने ही आई है। 1 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा था, चलो पिकअप करने चलते हैं। ये भी कहीं कैंसिल ना मार दे भाई। भाई पिकअप लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ, कॉल करके देखता हूँ क्योंकि यार इनका कोई कॉल नहीं आया, क्या पता फिर ये भी राइड कैंसिल करनी पड़े। सबसे बेकार सीन होता है भाई, देखो यार यहाँ 7 मिनट हो गए मुझे खड़े खड़े। ओला भी कह रहा है कि भाई आप राइड कैंसिल कर सकते हो और जा सकते हो। भाई यार 50 रुपये की राइड है और यार मैं पार्ट टाइम में काम करना है, तो यार मैं कैंसिल करना नहीं चाहता हूँ, पर यार कस्टमर को भी जल्दी आना चाहिए यार, देख रहे हो। तो भाई कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप। मुझे लगता है ओला ने फिर से अपना ऑफर चालू करा दिया है, मतलब फिर से ओला ने अपना ऑफर चालू कर दिया है, क्योंकि ये 50 रुपये की राइड थी और कस्टमर से सिर्फ 35 रुपये लिए, बाकी ओला हमें अपनी तरफ से वॉलेट में ऐड करके देगा। जो कि ये देखो भाई साहब, यहाँ देखो पूरे 5 किलोमीटर के कस्टमर से 35 रुपये लिए, तो मतलब कि कस्टमर को जहाँ डिस्काउंट दिखेगा वो वहाँ पर ज़्यादा बुक करेगा। तो हो सकता है ओला में राइड ही ज़्यादा है। बाकी मैं दिखा दूँ अपने बैलेंस में, तो यहाँ पर देखो मेरे 14 रुपये वॉलेट के अंदर आ गए। ऐसे इस तरीके से पैसे इकट्ठे होते चले जाएंगे और नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट में। तो वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का, अभी टाइम हो गया 7:14 भाई। भाई नेक्स्ट राइड ले लिए मैंने ओला के अंदर ही भाई, 6 किलोमीटर का ड्रॉप है आप समझ सकते हो, 6 किलोमीटर, और ओला मुझे दे रहा है इसके 52 रुपये। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, राइडें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी तो मेरा इंसेंटिव आ जाएगा, तो उसमें मैं सारा पैसा मेरा कवर हो जाएगा। ये देखो, तो अभी मैं चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर हूँ, तो चलते हैं भाई इन पंचशील इनक्लेव से पिकअप करने के लिए। तो भाई कस्टमर को पिकअप करके ड्रॉप कर दिया। बोलोगे बीच की क्लिप क्यों नहीं ली भाई, जब कस्टमर अगर सामने खड़े हैं तो उनके सामने मोबाइल निकाल के तो रिकॉर्ड करूंगा नहीं, पर यार ये 52 रुपये की राइड थी, इसका बिल 56 रुपये का बना। अब मुझे तो 52 ही मिलेंगे, 52 की जगह 51 ही मिल सकते हैं। देखो यहाँ 51 रुपये मिले मुझे, देखो, और 100 रुपये का काम हो गया अपना पूरा। और ये आ गई भाई राइड पे, भाई 14 मिनट लगेंगे, ये देखो 14 मिनट के चक्कर में नहीं पड़ना। जब ये राइड मैंने 12 मिनट में 50 रुपये कंप्लीट कर दी, तो 14 मिनट में 40 मिनट, मतलब कि 40 रुपये की राइड में 14 मिनट क्यों खराब करूँ। और पिकअप भी लंबा ही था भाई। मैं ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे, ये इंसेंटिव है ना अपना, ये देखो कल मेरे से रह गया था कल, क्योंकि मैं ओला उबर दोनों साथ में चला रहा था पार्ट टाइम में, बट आज मैं सोच रहा हूँ कि ओला ओला करके ना ये राइड कर दूँ ना 10, तो 120 मिल जाएगा। 10 राइड पे 500 का भी काम हो गया तो 120 ही मिल जाएगा भाई, बढ़िया है ना। भाई ये राइड आ रही थी मेरे पास में देखो अभी 78 रुपये की, और डिस्टेंस था इसका देखो 8.7। अब आ गई टर्मिनल 3। भाई देखो बहुत सोच समझ के काम करना है, पैसे के लालच में नहीं आना कि 182 आ जाएंगे। टर्मिनल 3 चला तो जाऊंगा भाई,
वहां से फिर मुझे महिपालपुर तक खाली आना पड़ेगा, फिर महिपालपुर के बाद में भी बैठे रहो वहां पर मच्छर मारते रहो, रेड मिलेंगे नहीं। तो भाई बहुत ही सोच समझ के बुद्धि सब कुछ लगाने के बाद में काम करना है कि भाई इनों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, कितने की राइड है। ये 78 की राइड थी, जसोला में जाता फंस जाता क्योंकि जसोला से कोई इधर की तरफ आता ही नहीं है। तो भाई मेरे को सेंट्रल में रह रह के काम करना है अपने साउथ दिल्ली के एरिया से, आउट जाना ही नहीं है मेरे को भाई। एक तो भाई मैं आया हूँ एक वैसे ही डिनर में काम करने, पीक टाइम में भाई, दिन में तो गर्मी हो रही, तो भाई अपने को बहुत ही सोच समझ के काम करना है भाई, वरना बंदा कोई और होता है 180 रुपये देख के ले लेता, पर भाई 23 किलोमीटर जाता फिर 5 किलोमीटर बाहर खाली आता, ये बहुत ही मत्था पीछी है भाई, बहुत सोच समझ के काम कर रहा हूँ मैं भाई। ये देखो 170 रुपये की राइड कहाँ पर, ये भाई सिविल लाइन की थी भाई, जंगूपुरा भोगल में हूँ, सिविल लाइन ये भाई चांदनी चौक से आगे पहुंच जाएंगे भाई, मतलब कश्मीर गेट के साइड से निकलते हुए पीछे, और 13 किलोमीटर के समथिंग दिखा रहा था भाई। क्यों जाना है यार, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है ना पंगे में, अपने लोकल साउथ में रहना है। वही देखो इस तरीके का काम भी आता है, मतलब कि अगर बंदा करना चाहे, पर यार कि वो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है बंदे, मतलब कि कर निकले किस टाइम पे, हो सकता है भाई 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद काम ही ना है, तो भाई इतना रिस्क क्यों लेना है बाहर जाके, जो पूरे दिन कर रहा है वो तो कहीं की भी ले लो, और जो भाई दिन नाइट में निकल गया है उसको तो भाई बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा यार। ये काफी टाइम हो गया यार, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा, ओला के अंदर भी नहीं आ रहा, ऊबर ऊबर में एक राइड आई वो भी यार इधर उधर की यार, इतनी थोड़ी लंबी, देखो यहाँ पर हूँ मैं जंगपुर आई है सिविल लाइन, ए यहाँ की राइड आ रही थी यहाँ की, ये देख रहा ये रहा सिविल लाइन क्यों ऐसे करके, भाई कौन जा रहा है यार इधर, मेरे को इधर इधर रहना है, इसके अंदर इधर में रहना। देखो संगम बिहार में सड़क चल रहा है, हम संगम बिहार से निकल गए तब सड़क नहीं चल रहा था, जब संगम बिहार में देख गजब का गेट है यार, यहाँ चलाओ सड़क बार देखो भाई, ये देख लो फिर से यार 15.5 किलोमीटर के देख रहे हो, ये रहा 15.5 किलोमीटर के 130 रुपये, तो भाई पागल है 8 रुपये किलोमीटर से भी कम पड़ रहा है रेट, ओ भी सिविल लाइन, ये मजाक कर रहे हो यार, ये इसी की बजाय मुझे बसंत कुंज भेज दो तो मैं ले लूँ, मेरे को भाई साकेत भेज दो मैं ले लूँ, अब भाई तुम इधर उधर भेजोगे तो थोड़ी ना लूंगा भैया। क्या मजाक कर रहा है भाई दोनों, ये देखना 800 मीटर से पिकअप था भाई, 15.5 किलोमीटर लेके जाना था गाजियाबाद, दिखा रहा देखो भाई, ये देख रहे हो भाई इंदिरापुरम भेज रहा मेरे को 15.5 किलोमीटर 127 रुपये में ओला, अबे क्या मजे ले रहे हो यार भाई, 15-16 किलोमीटर है कम से कम, 150 रुपये का तो हो, और वैसे भी मुझे तो जाना ही नहीं था, पर भाई जिसको जाना फिर भी देखो यार, इससे अच्छा तो ऊबर पैसे दे रहा था भाई 15 किलोमीटर के 130 रुपये, ये 15.5 किलोमीटर के भाई इतने दे रहा है, मतलब दोनों यार बराबर है, कुछ ही 2-4 रुपये का फर्क है पूरे में, दोनों का बराबर ही रेट है, क्या कर रहा है भाई। भाई मैंने ओला के अंदर ना अभी फूड डिलीवरी और चालू कर ली है, मैं सोच रहा चलो यार कुछ तो फूड वूड डिलीवरी कर ले, कुछ तो करें जब आए हैं कुछ तो करें भाई, ये देखो यहाँ पर फूड डिलीवरी भी ऑन कर दी, मैंने सोचा एक दो ऑर्डर ही फूड डिलीवरी के कर दें, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, 100 रुपये काम पेट की पड़ी है गाड़ी भाई। आप पकड़ ली, मैंने 46 या 48 रुपये की राइड थी, अब भाई दिखा रहा था 16 मिनट में कंप्लीट कर दोगे, मैंने कहा 16 मिनट में तो कंप्लीट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 800 मीटर 900 मीटर का पिकअप है इसका, 4 मिनट लगे पिकअप करने में, भाई चलते हैं कोई बात नहीं भाई, 3 राइड तो होंगी, चलो चलते हैं फटाफट पिकअप करने। भाई ये राइड तो हो चुकी है कंप्लीट, और अब रैप ओला के अंदर में भी एडवांस राइड आने लगी भाई, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये रे देखो ये क्या हो गया भाई, फूड डिलीवरी के बजरे थे मेरे पास राइड आ गई थी भाई, अरे भाई नहीं ये क्या था भाई, अच्छा ये फूड डिलीवरी था मेरे पास में जो ये, और मुझे लगा राइड आई है, मैं स्क्रीनशॉट लिया था, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो कहाँ गया, अरे मैं पहले खुल रहा है यार, मतलब फूड डिलीवरी का था ये, कहाँ गया यार, ये देखो 92 रुपये डिजिटल पेमेंट, अच्छा ये फूड डिलीवरी थी शेखसराय की, 6.5 किलोमीटर की डिलीवरी है और पिकअप है तो यार ये सही है, 6.5 किलोमीटर के 92 रुपये दे रहा, चलते हैं भाई पिकअप करने। भाई रेस्टोरेंट की लोकेशन में पहुंच गया हूँ, यहाँ पर कोई महफिल रेस्टोरेंट है ये, और ये करता हूँ रीच रेस्टोरेंट लोकेशन, इसमें देखो ऑर्डर आईडी भी लिखा हुआ आ रहा है, क्या ऑर्डर आईडी है, और शाही पनीर लेके जाना, आइटम का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ शाही पनीर लेके जाना है, तो हो सकता है भाई शाही पनीर तो रेडी हो सकता है, तो चलो भाई पूछते हैं और करते हैं इसको पिकअप का, ये ऑर्डर पिकअप हो चुका है, ये मैजिक पिन का ऑर्डर था भाई, ये देखो ऊपर जादुई चिड़िया मैजिक पिन का ऑर्डर था भाई, जितना टाइम इसको डिलीवरी में नहीं लगने वाला इससे ज्यादा टाइम यहाँ पिकअप में लग गया भाई, 6 पॉइंट, अबे ज्यादा ही किलोमीटर दिखाएगा हमेशा है ना, कहीं से भी घुमा दे, यहाँ से जब जाना है तो मुझे वहां से क्यों जाऊँ, तो वो 6.2 किलोमीटर है, 21 मिनट लगेंगे जाने में भाई, कम से कम 10-15 मिनट तो मेरे यहीं पिकअप में खराब हो गए, चलो कोई नहीं करते हैं इसको कम्प्लीट भाई ऑर्डर फूड का है। लोकेशन पे पहुंच गया हूँ तो इसको करता हूँ रीच ड्रॉप लोकेशन, और अब सीधा कस्टमर को कॉल करके इसको कर देता हूँ भाई सब डिलीवर।
भाई ये ऑर्डर अपना कंप्लीट हो गया, लगभग 35 से 40 मिनट चले गए भाई इसमें हमारे, और ओटीपी के साथ में डिलीवर हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि हाँ डायरेक्ट पहुंच गया डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। देखो 92 रुपये मिले, ये ठीक है भाई। बाकी टाइम भी ज़्यादा जा रहा है यार फूड डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो। बाकी ये इंसेंटिव में जुड़ा है मेरे टारगेट में या नहीं जुड़ा भाई? जुड़ तो गया भाई यार, ये राइडों में भी जुड़ गया भाई, ये भी 60 रुपये। ओह हो, पिकअप अंशु ढाबा और देवली सं... ना भाई मैंने छू इतना लंबा पिकअप, और भाई संगम विहार का तो मैं नहीं लिया भाई, ये तो छोड़ दिया मैंने भाई। खतरा नहीं लेना, पास पास के लो, दूर के मत लो ऑर्डर, फूड डिलीवरी पास के में फायदा है। ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया भाई, 64 रुपये का, 1.1 किलोमीटर का पिकअप है। ड्रॉप है इसका लाडू सराय का 3.7, और देख रहे हो 64 रुपये का ऑर्डर है। सही है भाई, चलते हैं पिकअप करने। फिर भाई रेस्टोरेंट पे मैं पहुंच गया हूँ, पर ये ऑर्डर आप देख रहे हो ONDC का ऑर्डर है, पहले मैजिक पिन का ऑर्डर था, और ये है ONDC का। तो चलते हैं पिकअप करने भाई इस ऑर्डर को भी। A few moments later. भाई ये ऑर्डर दो दो बंदों पे बच गया था, एक बंदा लेके चला गया, तो भाई किसी ने ये बोला कि भाई पिकअप करके चले जाओ ड्रॉप लोकेशन पे, OTP लेके डिलीवर कर देना, या तो भाई ID मेरी बंद होगी इस ऑर्डर पे, या कुछ भी कांड होगा, मैं तो जा रहा हूँ अभी से डिलीवर करने, है मेरे पास कुछ नहीं, आधा घंटा खराब हो गया। भाई लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, ये भाई थे जिनको ऑर्डर मिला था, और मैं भाई फ्री में आ गया हूँ फोकट में, ऐसे स्टार्ट ट्रिप करके, और रीच कर दिया, पर डिलीवर तब लगेगा जब OTP मांग लेंगे। इन भाई के पास में ऑर्डर है, तो देखते भाई सिचुएशन क्या होगी, क्या हमें हमारा ऑर्डर भी ये कम्प्लीट होगा या नहीं होगा, वो देखी जाएगी अभी भाई क्या सीन होता है। मेरे यहाँ तो 85 दिखा रहे थे अभी तो मैं बताया था। भाई ये ऑर्डर हो गया डिलीवर, भाई सेम ऑर्डर भाई के पास में भी देखो, ये रहा कितने का है, 63 रुपये 10 पैसे, और यही ऑर्डर मेरे पास में भाई कहाँ है देखो, हिस्ट्री में भी दिखाता हूँ मैं इनकी, 63 रुपये 10 पैसे, ये देखो भाई ये सेम, और ये भाई 73 रुपये भी दिखा रहा है। अच्छा वो फेयर दिखा रहा है, पर हमारा 63 है ना, और नहीं वैसे 73 72 पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है टैक्स वैक्स कटने के बाद, 63 रुपये 10 पैसे, और इधर भी 63 रुपये 10 पैसे। अब भाई पता नहीं किसकी ID बंद होगी, पता नहीं होगी तो भाई डिलीवर कर दिया, देखी जाएगी जो होगा। तो भाई बेकार ये टेंशन नहीं है एक तरीके की यार ऐसा पता होता सबके डिलीवर करके बस। वही तो कह रहा हूँ मैं, मेरे 83 कुछ रुपए दिखा रहा, तुम वो तुम्हें दे दिया उसे, नहीं मेरे को तो 63 ही दिखाया था, तो तुम्हारे 73 कर दिया ना वो। नहीं 73 नहीं करा रहा, रुपए तो 63 ही है, 63 ये तो 73 तो एक फेयर बता रहा है एक तरीके से। ये भी एक राइड ड्रॉप करी है मैंने 48 रुपए की, सफदरजंग हॉस्पिटल। भाई मुझे ये बात बताओ, जो मैंने वो फूड वाले ऑर्डर के साथ किया, क्या मैंने सही किया या गलत किया? क्योंकि भाई उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने तो बोल दिया ऑर्डर कैंसिल करा दो, पर भाई इसमें सपोर्ट पे नंबर लगता नहीं, मेरे आधा घंटा वैसे ही खराब हो गया था वहाँ वेटिंग के लिए पिकअप पिकअप पे, फिर मैं उसे कैंसिल करा था, उसके लिए भी आधा घंटा जाता, तो मेरा तो 1 घंटा पूरा चला जाता, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो भाई मैंने उसको ऐसे ही पिकअप करके ऐसे ड्रॉप कर दिया। भाई आप कमेंट करके बताओ कि मैंने सही किया या गलत किया। भाई मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया, मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है भाई, ये कंपनी की गलती है तो कंपनी उसे ठीक करे, हमारी क्या गलती। बाकी यहाँ देखो भाई वाह, 6 राइडें कंप्लीट हो गई अपनी, और 6 राइड पे इंसेंटिव भी तो ऐड हो गया होगा 70 रुपये का। ओ ये बेटी की जान, ये देखो 69 रुपीज हमें मिल जाएंगे, इंसेंटिव अचीव हो गया हमारा, ये सही है। 4 राइड और लग गए, 10 बज गए भाई, 12 बजे तक 4 और लग जाए तो अपना भाई ठीक काम हो जाएगा अपना विद इंसेंटिव। ठीक तो नहीं खैर, वही मतलब कि 500 600 600 650 आधे बज गए। ये तेरे बाप के नौकर है, 3 किलोमीटर का पिकअप हलवा रखा है यार। ला 3 किलोमीटर का पिकअप तुम्हारा बाप दे रहा है पैसे पिकअप के, तेल के पैसे तुम्हारे तेल के कुएं चल रहे हैं क्या भाई हमारे? भाई अभी राइड एक्सेप्ट करी थी मैंने, देखो ओला के अंदर भी 21 किलोमीटर के भाई 222 रुपये दे रहा था, मैंने कहा बढ़िया है, एक्सेप्ट कर ली। नोएडा सेक्टर 66 की थी, एक्सेप्ट करने के बाद में फिर कैंसिल कर दी, बोला कि भाई चला तो जाएगा नोएडा, 25 किलोमीटर अगर खाली आएगा, मैंने बोला यार पागल बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं है राइडों पाइडों का, तो भाई मैंने कैंसिल भी कर दी है राइड। बताओ गलत किया है सही किया? वैसे तो मैं ये भी सोच रहा था कि यार 350 अगाम हो रखा है, इसे मार का 500 पार हो जाता, 570 72, फिर मैंने सोचा यार कि क्या 570 72, या तो फिर यार अब गर्मी में ही काम करना पड़ेगा, रात पात में भी काम नहीं है, देखो ओला भी खोल रखा है रेपिडो भी खोल रखा है, बच ही नहीं रहा कुछ भी यार। भाई अभी टाइम देखोगे तो ऊपर 10:30 बज रहे हैं, और 6:30 बजे मैं घर से निकला था, उसके बाद में भाई राइडों में कैंसिल भी हुई, टाइम भी वेस्ट हुआ, सब कुछ होने के बाद में भी भाई 400 का काम हो गया 4 घंटे के अंदर, 7 राइडें और ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं टोटल। मैं सोच रहा यार अर्निंग नहीं हो रही है, बट ऑन एवरेज जो हम जोड़ के चलते हैं 100 रुपये घंटे की एवरेज, उतनी तो हो रही है,
भाई ये थी वो जो कैंसिल करी थी मैंने राइड 200 रुपये वाली, 222 वाली, एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल, पहले एक्सेप्ट कर ली फिर मन में आया कैंसिल कर दी भाई। तो ये देख सकते हो सब कुछ आपके सामने, बाइक मैप ये तीन लगातार बैक टू बैक ऑर्डर करे थे कंप्लीट, तीन नहीं दो करे थे, एक दो, हाँ दो ही कंप्लीट करे थे, बाकी राइड ही राइड है। तो भाई 7 हो गई है, मैं सोच रहा हूँ 10 हो जाए तो 120 रुपये मिल जाएंगे ना, तो बढ़िया हो जाएगा, तो मतलब वो हमारा उसमें पेट्रोल निकल जाएगा और इधर की सारी सेविंग हो जाएगी। पर राइडें कम आ रही हैं ओला के अंदर, देखो भाई रात में यार काम मस्त हो रहा है, सर्ज चल रहा है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं भर भर के भाई। 11:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे मैंने आपको लास्ट दिखाया था, देखो जब 399 काम था अब 553 रुपये काम हो गया भाई। एक राइड और करूँगा, बस मुझे एक राइड करनी है भाई, मेरा ये इंसेंटिव आ जाएगा, 120 रुपये हो जाएंगे फिर, अभी यहाँ 69 दिखा रहा, फिर यहाँ 119 रुपये दिखाएगा, मज़ा आ जाएगा भाई, वो वाला मिल जाए जल्दी से। एक राइड आ रही थी खानपुर की भाई, उसे मारता हुआ घर चला जाता 600 रुपये की, कैंसिल हो गई यार। बस मैं यूँ जैसे उंगली मारने गया यार, लिखवाया गया राइड कैंसिल ना भाई यार, नहीं तो सबसे बढ़िया राइड थी 86 रुपये की करता हुआ सीधा घर निकलता तेज़ी में। टाइम देखो क्या, देखो टाइम ये नहीं दिख रहा, टाइम हो रहा 12:26 और मीटर की रीडिंग 13,859। तो भाई काम करके रात 12:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा हूं, और भाई मुझे ना ओला के अंदर ये जो फूड डिलीवरी वाला है, मैं पहले से बोलता था यार फूड डिलीवरी कोई सा भी हो सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती आती है भाई। एक ऑर्डर पे मेरे साथ सीन हो गया, वो दो राइडरों पे असाइन कर दिया भाई, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसी टाइम पे सही मौके पर देख लिया कि भाई सेम एड्रेस है, सेम कस्टमर का नाम है। मर्चेंट से पूछा तो वो बोले आपका नाम शो नहीं कर रहा है, इनका नाम शो कर रहा है, मैं इनको ऑर्डर दूंगा, तो उन्होंने उनको दे दिया, बोले मुझसे कि तुम कैंसिल करा दो। मैंने बोला वाह साहब वाह, आधा घंटा करने के बाद कैंसिल करा दो भाई। मैंने करी स्टार्ट ट्रिप, मैं पहुंच गया लोकेशन पे भाई, जाके मैंने भी डिलीवर मार दिया, ना तो मेरे पास कंपनी से कोई कॉल आई है भाई तुमने ऐसा क्यों करा, ना भाई कोई दिक्कत हुई। तो भाई उसके बाद में मेरे पास में लास्ट में भाई जब घर आने का टाइम था, एक राइड चाहिए थी मुझे पर नहीं मिली, फूड का ऑर्डर आया मेरे पास में 2.5 किलोमीटर का पिकअप और 2 किलोमीटर का ड्रॉप 45 रुपये में, ओनली 45 भाई, क्या रेट कार्ड है कुछ तो बताओ यार। चलो ठीक है, उसमें मेरा 15-20 मिनट खराब हुए, पिकअप करा, ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचा तो भाई लोकेशन गलत, अब कस्टमर 1.5 किलोमीटर और आगे बुला रहा है भाई, सपोर्ट काम करता नहीं है ओला का ना भाई, कोई ऑर्डर कैंसिल होता तो भाई मैंने बिना टाइम वेस्ट करे, मुझे पता है बेटा गर्दन तो तेरी फंस गई तो इसे डिलीवर कर दे बिना कुछ बोले। तो भाई मैंने बोला टाइम वेस्ट मत करो, मुझे लोकेशन भेज दो जहां आना है मैं आ जाता हूं भाई, 1.5-2 किलोमीटर के समथिंग उन्होंने दूसरी लोकेशन बुलाया, मैंने उसको कंप्लीट करा और मैं निकला सीधा घर। भाई अर्निंग की अगर बात करें तो अर्निंग मेरी 597 रुपये की समथिंग टोटल हुई 10 ट्रिप पर, और 120 रुपये का इंसेंटिव, तो लगभग 770 रुपये की समथिंग अर्निंग हुई, बाकी वो थोड़ा बहुत किसी के 2-4 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता है, सब मिला के लगभग 725 रुपये मान के चलो। बाइक चली मेरी आज 70 किलोमीटर, तो भाई 120-130 रुपये का पेट्रोल मतलब कि सवा जो ऊपर के हैं वो खत्म, तो लगभग 600 रुपये बचे 6 घंटे काम करके। मैं 6:30 बजे लॉग इन किया था, 12:30 बजे आ गया हूँ घर, तो भाई 6 घंटे में 600 रुपये। बाकी यही था आज का दिन, बाकी भाई जैसा है मैंने बता दिया आप सभी को कि भाई फूड डिलीवरी में दिक्कत ही है, और आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ क्या? बाकी हाँ भाई ओला के अंदर अगर कोई बंदा खाली फूड डिलीवरी के ऑर्डर कर रहा है, वो राइडों को नहीं कर रहा है, तो उसकी आईडी हो जाएगी परमानेंट ब्लॉक। काफ़ी बंदों की हो गई है पर उन्हें समझ नहीं आता हमारी आईडी ब्लॉक क्यों हुई है, इसीलिए ब्लॉक हुई है क्योंकि ओला ने फूड डिलीवरी का ऑप्शन सिर्फ दिया है। ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ फूड डिलीवरी के ऑर्डर लोगे राइडे नहीं लोगे, आपको मिक्स काम करना पड़ेगा, आपको सभी राइडे भी लेनी पड़ेंगी, क्या उस राइड में आपका नुकसान हो या फायदा हो, बाकी आपको राइडे भी लेनी पड़ेंगी। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।